देश भर में 9 जून यानी गुरुवार को गंगा दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है। गंगा दशहरा के मौके पर सुबह से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर समेत कई जगहों पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और मंगल कामना की प्रार्थना की। गंगा स्नान कर लोगों ने पूजा पाठ और हवन भी किया। भक्ति और उल्लास का ये नजारा हरिद्वार के हरि की पौड़ी का है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे और गंगा में डुबकी लगाई। कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जब स्नान को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे में दूर दूर से लाखों श्रद्धालु गंगा घाटों पर स्नान करने पहुंच रहे हैं। हालांकि स्नान को लेकर प्रशासन ने भी एहतियात बरतने के लिए जरूरी इंतजाम किए हैं। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक गंगा दशहरा का त्यौहार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन ही माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी और इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले गंगा में स्नान करना शुभ माना जाता है। साथ ही गंगा दशहरा के दिन दान पुण्य का भी खास महत्व है। आस्था के इस पर्व पर गंगा घाटों का नजारा बेहद खूबसूरत होता है।